में शांति थे, इकट्ठे करने का इंतजाम किया। अल्लाह के मुनकर हो, अंबिया
दीनकारी बने, अपनी नबूवत के मुनकर बने, सहाबा दियां अजमतों का इनकार किया, वो लोग भी मौत की हकीकत का इनकार न कर सके। कोई काफिर, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई दहलिया, ऐसा नहीं पेश किया जा सकता जरा मौत की हकीकत का इनकार है। अरबी का एक शायर आकदम, लहू मलकुन गुना की कुल लोग में मऊत वबनूल खराबी अला या फातिन कसर मोहल्ला सतुद फन वन करीब हित को राबी। अल्लाह का एक फरिश्ता है जो सुबह को शाम ताई ते शाम को सुबह ताई एक निगाह लगा रहा, एक आवाज लगा रहा, बराबर आवाज लगा रहा, वो आखिया लिखू लिल मऊते बच्चे जम्मन वाली और तो बच्चे जम्मो मरण योगे समझ आ रही नहीं करता। बच्चे जम्मन वाली और तो बच्चे जम्मो मरण योगे वकनू ने खराबी और कोठियां के मकान बनाने वाले लोगों मकान बनाओ ठहर जोगे। जिस आज जमना उस कल मरण, जिस आज बनना उस कल ठहरना, अलाया फाकिन अल कसर मोहल्ला मेरा इशारा समझो अला यार था कि नल कसरे मोहल्ला ऊंचिया ऊंचिया बेड़िया चढ़ा ला लिया, दो मंगला, त्रै मंगला, चार मंगला, पांच मंगला, दस मंगला, एक सौ दस मंगला, समझे कितनी है अलाया था कि नल कसरे मोहल्ला बदला नु हथ ला लै, एक सौ दस मंगला बना लै, उत्ते खलो के बदला नु हथ ला लै, सतुग फन वन करी के चित्तवादी मरण तो बाद आवना का मिट्टी के बीच दफन तो इतनी ही होना ना। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिस तू दुनिया का कोई बंदा भी इनकार नहीं कर सकता, और ऐसी अटल हकीकत है कि जिस तू मुस्तस्ना कोई नहीं। इमाम है ता मौत का शिकंजा करना, मुक्तदी है उसके मौत आई, मुर्शिद है उस मौत का शिकार होना, मुरीद है उसके मौत आई, फकीर मौत का शिकार होएगा, मुफस्सिर है मुहद्दिस है उसके मौत आई, सहाबी है ताबी है मुहद्दे से शब जिंदादार है तहबीब गुजार है, मुहद्दे से शब जिंदादार है तहबीब गुजार है, सहाबी है हजरत अबू बकर है अली है या नबी है, अली होवे या नबी होवे, पैगंबर होवे या पीर होवे, रसूल होवे, सबने मौत का जाम बोलो।
हकीकत को मुतना नहीं है। जिसने आज आना है उसने कल जाना है। अरबी ने खुद शेर देने जाया, अरबी का शायरा था अल मौत तो बाबुल वकुल्लुन ना से दाखिल हूं, अल मौत तो काफुन वकुल्लुन ना से खारिज हूं। मौत एक ईरिया दरवाजा है जिस लिखी हर बंदे ने गुजरना है, और मौत एक ऐसा प्याला है जिस प्याले ने हर बंदे ने पीना है। अल मौत बाबुन वकुल ना से दाखिल हो, अल मौत काफुन वकुल ना से शारिब हो। नबी ता मौत का जाम किए कुरान पाक ने ऐलान किया, कुल नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत। कुरान ने दूसरी जगह पे ऐलान किया, कुल मन अलैहा फान वयबका वजह रब्बे का जुल जलाले वल इकराम। कुरान ने ऐलान किया, कुल शैइन हालिकुन इल्ला वजह, हर चीज फानी है बचने वाली जात है तो सिर्फ किसकी है। कुरान ने ऐलान किया, हर एक ने मौत का जायका चखना है, हर एक ने फना आइए, कोई बड़ा है छोटा है आला है अदना है आलिम है जाहिल है पीर है मुरीद है इमाम है मुक्तदी है शहरी है देहाती है मर्द है औरत है। पंजाबी ने शायरा था, पाक मोहम्मद इतने न रहा तो तू किस अमरीदा जाया, तू कौन है। सारी कायनात का सरकार के सारी कायनात का इमाम के सारी कायनात तू वाला के सारी कायनात तू असल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मौत का जायका। क्यों आई मौत के कोई आई बोलते रहे के राजा मौत का इनकार में लगी बात जो हाथ तक रहते हमारे वाले नहीं करेंगे गंदी वाले में कार करें और जो आगे मैं हालाती ना हूं वो खड़े करेंगे जमीन मौत आई खड़े करके औखा के ना हो जो तू हालाती ना पेशा वाले महाती मेरे भाई अगर तू हजाती है तो तू ममाती ने बट आज ना मौत नहीं आई मजा आने ना हजात मन का जे तू ही मौत मनने बस तू ही ममाती हो ना क्यों कौन लगा रहे क्यों गंगा फसाद पाई पूरे मुल्क के जैसा हजातियां से इशा पहले ममाती तू हजाती का पड़े जब तू मौत का कायल ना हो जे तुम्हें मौत तो होवे कायल इनकार करना मौत का कि आप भाई साहबा ने अल्लाह जो बिल्ला अल्लाह जो बिल्ला अल्लाह जो बिल्ला खासम बदान हजार बार पला वे नबी पाक जिंदा है तो साहबा ने नबी पाक को दफन किया आज के मिल होना नाल और जुड़न हुआ फिर काफे काफे दिया काफे दिल होना दिल साहबे बारे यू आते हो चतु साहब के नबी पास जिंदा है जो साहबा ने जिंदा का भी दसन चूंता तू ने सारे मुला के प्रकाश पाया तो पूरे इलाके प्रकाश पाया का हजाती से इशार वाले ममाती तू हजाती कार मरना जरा मेरी नबी की मौत का करे इंकार तेरे तू ही मौत मने भारे मने त्राए दिहाड़े वास्ते तो ममाती तो बड़े होना तू त्राए दिहाड़े का ममाती तो मैं सारी जिंदगी का ममाती
چل کچھ بھی آ رہا تو تم ہی بن لو مسئلہ کرا کی طبیعت آ جاتی ہے ایشا کر گئے میں کدی بول بولنا نہیں کی تھی میں اجا آتا بہت مماتی ہوں تم ہی مماتی کہ اگو ہی مماتی ہوں اگو تو ہزاتی ہوں تم ہی ہزاتی کہ ایسا بھی ہزاتی ہوں حیات در کوئی ممکن نہیں بنارس سردوں کے قرآن کی آخ میں ایشا کا حیات نہیں منگے حیات کا انکار نہیں حیات کی کیفیت کا حیات کی نوعیت کا اختیار ہے تم آتا دنیا بھی حیات ہے میں آتا جنت کا بھی حیات سننا دو ماما چون کی رونا پائی ایسا حیاتی ہے تو اشاعت والے تو موت نہیں بنتا ہندی ادب نبی پاک سے موت آ گئی تھے بڑے وسطار ہیں جی تھے بڑے کی ادب ہیں جی یہ آدمی کی نبی پاک سے موت جو توبہ 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 نبی پاک سے نبی تو توبہ توبہ نبی پاک جو سے نبی تو کیا ایسی گستاخی ایسی توہین اور میرے بھائی نبی پاک سے سب تو پہلے مسجد کا اخلاص نہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی تئی نہ شاہ القرآن کی تئی نہ مولانا طاہر تنقیری کی تئی نہ اشاعت التوحید علیہ کی تئی سب تو پہلے نبی پاک کے مسجد کا اخلاص خلیفہ اول کی تئی خلیفہ اول بلا فصل جس کی خلافت سے جنگ لڑتا جنگ لڑتا کتابہ چاہ جا کے دکھانا رتے کو تیانیا کے کالے کو تیانیا ایسے لکھا پیا گیا ابو بکر پہلا خلیفہ ایسے لکھا پیا گیا عمر دوسرا خلیفہ اسے لکھا پیا نبی کا دنیا چار اس فلانی کا لکھی میں یہ جس ابو بکر کی خلافت اٹھتے سارے زمان میں روٹیاں کھا دیا گی جس ابو بکر کی عظمت اٹھتے سارے زمان میں لوگوں کی جیبا سکتی نہیں او ابو بکر صدیق کا دل اٹھا دی اس نے کتابہ نبی پاک دی جس نے حضرت سے پہنچی ابو بکر چادر مبارک چہرے سے ڈھانپی ہوئی ابو بکر نے چادر ہٹائی نبی پاک نے چہرے مبارک نے چومیا اور چوم کے آخیا تم کا ہین و منجتا تم کا ہین بولے سارے آپ یہ بھی گل حضرت ابو بکر آپ کی سارے آپ کو تم کا ہین تم کا ہین و منجتا میرا سونا پیغمبر تیری زندگی بھی پاکیزہ تیری موت بھی تیری زندگی بھی مقدس تیری موت بھی مقدس تیری زندگی بھی آلہ تیری موت بھی آلہ اے سب تو پہلے حضرت ابو بکر آکھے حضرت ابو بکر آکھے نبی پاک کے میت کا لفظ ابو بکر صدیق بولے تو پھر جو ہے صدیق اکبر باہر آئے مسجد نبی کے اندر حضرت ابو بکر حضرت عمر تلوار لے کے کھلوتے جو کہے گا نبی پاک کا انتقال ہو رہا ہے میں اس کی گردن قلم کر دوں گا فرمایا وارث بھی کیا عمر انجلس کیا عمر بیٹھ جاؤ انہیں قدموں پر بیٹھو اور میری بات سناؤ حضرت عمر سو گئی نہیں اٹھا بخاری ابو بکر نے خدمت اٹھنا شروع کی تھا فحمد اللہ اللہ کی حمد و ثنا کی ثم صلی اللہ علی النبی پھر نبی پاک پر تحفہ درود و سلام بھیجا اور اس کے بعد فرمایا ایها الناس ایها الناس صحابہ حضرت عمر کو چھوڑ کے ابو بکر کے کول اکٹھے ہو گئے کہ ہم لوگ ساری حالت دیکھ کے آئیں گے انہوں حقیقت کے حال کا چلنا پتا ہے فرمایا ایها الناس من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات یہ بخاری کس واسطے رکھی ہوئی روٹیاں کھان واسطے کتابوں کے بنانے والے ہو ہزار ہزار ابو بکر صدیق کا تھا مات انا محمد انکل ماتا انا محمد انکل ماتا کتنی ماتا ہزار کا تیری بننا سے ابو بکر نہیں بننا
तू कह रहे माँ का लफ्ज मैं का लफ्ज नबी पाक उठे किस इतराक सब तू पहले नबी पाक उठे हजार दरफर को इतला उन्होंने जिन्हों सारी जिंदगी मुलाजम चुके उठाओ सूर का पिछले गिराओ उठाओ शीलों की किताब सूर का थी नहीं लकड़ी तो मेरे को लेके आओ अंगली मैं रखांगा किताब खुद नकल दे दू उठाओ पहले मैं दसा पेरा करूंगा पहला बेटा है तुम कौन पागल बनाया अश्मिया के खिलाफ याद कर रहे हैं जिहाद कर रहे हैं असा सारी जिंदगी अश्मिया के खिलाफ याद किया अब मैं तो सावन का झंडा चाला उसूल काफी किसी ने जाकर आगे पर पूछा कि मस्जिद नबवी की छाप उतार के रोजे रसूल के झांक ले लिए या पर साबित ने अपनी वाखला नहीं हो सदका नबी पाक कबर नमाज पर देता है हमें इतनी बताओ मुझे बताओ किराड़ा पत्थरीए मोर कदले हैं ऐर सुनना का मूह ऐर सुनना मेरा तू ऐर सुनत है तू मन मौसम रास्ता में मैं मौसम दूंगा इशा तू को ही मैं मौसम दूंगा क्या मेरा जीता जरा सीने लग मिलता मैं तेरा पहला पीता दसिए जरा सीने लाल मिलता है ते मैं तेरा दूआ पीता दसन लगे अर्ज आमाल आला तू यादा में आमाल नबी पाक को पेश होने ते शिया की किताब लिख है तेरी भी आमाल वारा इमाम पेश होने अदा मेरा नकद नकद सौदा करने अर्जन करता नहीं तेरे पीछे जाते मैं दस साल तू के सुनी है ये सुनी जाते मैं तू आके मोकर लाए सामने पत्री रहे मैं भी मैं बेटी ने करी और मैं बेटी ने ये बोलो तुसा हो बबड़ी ते मोमी जिन्हें कोई मोरे कुल तीन चार सौता सारी हाल चली सुना हाल हो मिला भी नहीं का जुलूस हाँ जी साहब ईमान का हिस्सा आप हाल हो जी तू होया रबड़ी ना बता रहे बता पत्नी के मुकाबले में रहते ना मेरा अपना पत्नी इबादत में रबड़ी कमरे के खल्ला खलन लगी ना मोबाइल ना मुझे और ना जवाब ना तुम्हें संतान ने देवे तू मौला हुसैन अली अहमदुल्ला रह बात अकली तू रह के बदलानी भाई यही जमात पहले तिहारे बाहर से खोती है आज भी वो छह खोती है मैं तू जो ऐसा नहीं समझे पहले कबर प्रेस पार के पता नहीं चलाई रख देंगे ऐसा हाथ है जिन्हें मुश्किल के सामने रखे जाए सामने आना दे असा जो बंदी की लाज रखी असा है कितना के मुकाबले बोले बोले तू तेरे
जवान तौहीद कबूल निगाह तौहीद का लफ्ज प्रदान किया जाए निगाह कुरान का लफ्ज हो फौजी का सलाम रख लेता शुरू हो जाए सारे ताने मेरे बंद कर दो वरना शरीयत ने जितने वाले नहीं कोई कर पाओ हर चीज अगर अपने हाथ ही दो और कमाले अपनी इज्जत लो कमाल के रखे अपनी इज्जत लो तो हमें पूरे कोर्ट के ही देशती तुम के जानो तो ईद के तुम क्या पता इलम क्या है तुझे क्या इलम है तो ईद किसको कहते हैं कुरान किसको कहते हैं कुरान की तफसीर क्या है कुरान की आयतों के मफहूम क्या है तू के जानो तू है तू जानो पता नहीं लगा लेकर ध्यान दिक्कत जो ध्यान करता है बताता है मेरी नदी के जहां नमाज पढ़ा बुजू करके मेरे अंदर आया और देख लिया ये दो बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं एक हाथ पर नहीं दूए छोड़ो समझ में समझ एक समझ में लोग सुनी है ये छोड़े हैं वो उन्हीं नमाज पढ़ रहे उन्हीं नमाज पढ़ रहे ये आया पहले तो सोचिया इन्हीं नमाज पढ़ रहे हैं इन्हीं नमाज पढ़ रहे हैं उधर भी काफी अलग करते हैं वो जो भी काफी अलग करते हैं वो भी मजीद एक होता है वो मजीद एक होता पता नहीं ये ठीक है पता नहीं ये ठीक है काफी ध्यान दिन देर सोच के दिल की तरकीब आई दुआ में दरमियान खड़ा हो गया ये छत बन गए उर्दू को इशारा करता है आज सहबाव है उन्हें क्या भाई ये सीने 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 ये सीने बदी खड़ोता ये सीने छोड़ी खड़ोता तू बिंच के बलाए तू कौन आके सुनो कौन सुनो कौन पता नहीं ये सत्य है पता नहीं ये सत्य है क़यामत के दिन कैसे होंगे ये जन्नत में गया तो इसके पास चले जाएंगे ये गया तो इसके पास शांता में जन्नत में कम हो तेरा मैं करूंगा आज मिलाए यीशु का पिया तुम्हें आना नबी पाक कदर व्यवहार पर देखो एक याद कदर नबी पाक वो फैसला कर ये सुननी कौन है तुम सुननी है तुम मेरे सुनना बता रहे कौन है हजरत अबू बकर का नहीं करता बोलो बोलो कौन से बोलो कहेंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा है किसके खलीफा है हजरत अबू बकर नबी पाक के तो नबी पाक के आप जिंदा होता खलीफा किसका किसका खलीफा जिंदा तो तेरा इसके कतीजे नहीं तेरा अकीदा हयात आला को सेवा आला को अर्ज आमाल आला को इस्तीफा आला ये सारे तेरे अकीदे मिलते नहीं शीन नाल सामना देता ना के पथरी हैं जी के मुकदले हैं जी
تو پہلے نبی پاک کے مسجد کا اخلاق کس نے کیا؟ سب سے پہلے اپنے خطبے میں اعلان ان محمدن قد ماتا کس نے کیا؟ جس نے سرکار سے بیٹھے اگر سر حدیث کا پڑھ چکے اور علماء یہاں بیٹھے باب وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے سیاست ہے نشاست ہے باب وفات نبی باب وفات نبی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کسی حدیث کی کتاب باب حیات نبی بھی ہے باب حیات نبی بھی ہے نہیں ہے سب حدیث والوں نے جو باب باندھا ہے وہ باب باندھا ہے باب وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ موت ایک ایسی عقل حقیقت ہے جس کو کوئی بھی مستثنا ہر تیار اور شریعت نے قرآن نے حدیث نے شریعت نے اسلام نے بار 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 موت یاد دیوائی یاد دیوائی تاکہ کسی لمحے بندے کو موت کھلے سارے برا کرتے ہو حضرت قبرستان جان کا حکم ہے قبرستان جاؤ تو قبر کی زیارت کرو یہ اللہ کیوں حکم کئی ہزار تاجر دے گئے جو بندیاں لمائے جو بند ہیں ایک قبرہ پہ نہیں جان دیں گے ایک قبرستان جان کو منع کر دیں گے میں آتا قبرستان جاؤ قبر کی زیارت کرو لیکن جس وقت قبرستان جاؤ تو ترائے نتیجے لے کے جاؤ پکا لو جب تو زمیندار ہو تو پلے بن لو اس گھر آئندہ جگہ قبرستان جانا قبر کی زیارت کرنی ہے ذہن میں کتنے نتیجے لے کے جائیں کتنے نتیجے لے کے جائیں ترائے نتیجہ ذیل یہ رکھ کے جانا میں قبرستان اس واسطے جا رہا کہ قبرستان جانا میرے نبی کی سنت ہے پہلا نتیجہ قبرستان جانا کے سمجھ کے بولو اس نتیجے نال جاؤ گے کہ قبرستان بننے ایک ثواب کی حاصل ہے ہوئے گا اس واسطے کہ میرے نبی پاک کی سنت یہ ہو سی پہلا نتیجہ میں قبرستان اس واسطے جا رہا ہوں کہ قبرستان جانا میرے پیارے پیغمبر کی سنت ہے کوئی وقت مقرر نہیں کوئی دن مقرر نہیں کوئی رات مقرر نہیں سارے بجے والے پاس سرگوڑی والے پاس کام ہو ہم بڑے بندے ہیں مرد نپائیاں ہوئی قبر دیا پانی سٹے کالا سٹیاں اس سال کا راشن کون دے کے جانا اللہ کو پیسہ اگے پیچھے کوئی نہیں پھر سارے شہر رواج شب برات شبرات کیا شبرات شبرات نہیں جانا قبرستان پھر سارے شہر رواج عید والے دن جانا قبرستان قبرستان جان کا کوئی دن مقرر نہیں کوئی رات مقرر نہیں شریعت آتی ہے جیل موقع ملے جگہ بھی دل کرے قبرستان جا وقت مقرر نہیں قبرستان اس واسطے جانا کہ قبرستان جانا سنت ہے میرے نبی دی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نتیجہ دوسرا نتیجہ اگر میں
मस्जिद में पहुंच दिए, मस्जिद से कहते दुआ करो, मस्जिद रूम पहुंच दिए, दुकान से कहते दुआ करो, मस्जिद रूम पहुंचा दिए, जिस थ्रू भी दुआ की जाए मस्जिद रूम पहुंच जाती है, कब्रिस्तान रहसाना एक तो सुन्नत ते अमल भी हो रहा सी, उत्थे वन के मस्जिद के वास्ते दुआ करनी है। उत्थे वन के मस्जिद के वास्ते के करनी है, इतनी हो सकती है। क्यों भाई अगर मोटी शराब को सुना चाहो पहुंचा तो नहीं पहुंच जाए, जोर मार बोले जी शायद इनकी उम्र पहुंची बिल्कुल तू बता के जो फकीरन उम्र पहुंच जाए। मैं साडा बाबा हलवा शौक लाल खांडा हलवा ही देगा, साडा बाबा जनाब पूरा बड़े शौक लाल खाना ही पूरा ही पका के देना नहीं, जी शह गरीब न दे रहे हो उसकी तुझो दुआ मांग रहे हो, ई सारे सवाब दुआए दुआए। फिर मेरी गल पर तो ना सुनो, ये लोग ही सारे सवाब का इनकार कर दें, कह रामद कह के काम की नहीं आ सकता। वो मेरी गल तो तवज्जो करें, एलम बच्चा तवज्जो करें, सारे सवाब दुआए दुआ ते दुआ का मैयत कौन जी खुद नमाज दिलाना चाहिए, खुद नमाज दिलाना क्या है दुआ। ये मैयत फायदा नहीं पाऊंगा जनाजा क्यों करते हो, ई सारे सवाब भी दुआ है। या अल्लाह ये जड़ी मैं देकर या 10 रुपये या 100 रुपये तेरे रस्ते दिते, या अल्लाह सवाल तू मैं दिता ना, ये सवाल मेरे वाले जी भी पहुंचा गए। दुआ मंगी अब अल्लाह की मर्जी है, अब अल्लाह की मर्जी है कबूल करेगा न करे, वो सवाल पहुंचाएगा न पहुंचाए, ये अल्लाह की मर्जी है। ये सारे सवाल दुआए कि मैं ये वास्ते क्या कर रही है, कब्रिस्तान जामना कितने नजरिए लैके, पहला नजरिया लैके के जाना सुना दे, दूसरा नजरिया के उठे रहता सुनना ते अमल भी हो गए सी, ते मैयत वास्ते ते मुर्दिया वास्ते के करे काम। मेरे एक हाथ दोस्त रहने मेरे साला दिन मेरे कब्रिस्तान में मिलने देते, ये कब्रिस्तान दुनिया तू मना करेंगे, तो कबरा तू दुनिया तू मना करेंगे, एक ये कब्रिस्तान बुजुर्गों दुनिया कबरा के रहने उन्ना के वास्ते दुआ करेंगे कि उन्ना कोलू दुआ कर रहने उन्ना दे कोलू कर रहने, तो कब्रिस्तान क्यों मंगेरा आई उन्ना दे। तू कब्रिस्तान जान का कारण है कि मैं कब्रिस्तान जान तरीके ना जा रहे, तू तो खिलाफ सौ तरीके कब्रिस्तान जा रहे, तू उन्ना को दुआ करवा रहे। ते मैयत को दुआ नहीं करवा रहे, मैयत के वास्ते के करनी उसमें मिलना क्या बाबा मेरे वास्ते दुआ चकर, बाबा मैं तेरी कब्र से आ गया, मेरी गल अल्लाह ताई पहुंचा दे, मेरी सफाई कर दे, इस अगले इस्तीफा नवे नवे अकाल लेके चुके ने कलंदर छपे ने अकाल पूरा मारे है सुनना पूरा मारे जो मन वो चीजों की लिखे पैसे सारे अकीदे उस लिखे हुए हैं, नबी पाक का बड़े जिंदे नबी पाक सौदे तो उन्होंने आख्या जा सकता कि साढ़े वास्ते के करो दुआ करो सफारिश करो, सफारिश करो, सफारिश की दरखास्त की जा सकती है,
शफात की दरखास्त की जा सकती है। साडे वास्ते दुआ करो बंदियाल भी आजाद, जदा ताई बुजुर्ग जिंदा है, जदा ताई पीर जिंदा है, जदा ताई मुर्शिद जिंदा है, जदा ताई आलिम जिंदा है, जदा ताई इमाम जिंदा है, जदा ताई फकीर जिंदा है, जदा ताई नेक बंदा जिंदा है, हम उसकी दुआओं के मोहताज हैं। हम मोहताज हैं। उस्ताद जी मेरे वास्ते दुआ करो, जाए इमाम साहब मेरे वास्ते दुआ करो, जाए पीर साहब मेरे वास्ते दुआ करो, जाए मुर्शिद साहब मेरे वास्ते दुआ करो, जाए वालिद साहब मेरे वास्ते दुआ करो, जाए दादाजी मेरे वास्ते दुआ करो, जाए शागिर्द साहब मेरे वास्ते दुआ करो, जाए जब तक बुजुर्ग जिंदा है हम उसकी दुआओं के मोहताज हैं, और जब बुजुर्ग का इंतकाल हो गया तो हम नहीं वो हमारी दुआओं का मोहताज है। उसको दुआ नहीं करवाई उसके वास्ते के करिए जो उसको दुआ नहीं करवाई उसने आजा तू मेरे वास्ते दुआ कर बाकी उस वास्ते के करिए दलील देना मुश्किल थी जैसा थी सौखी सौखी जी पहले दे लेना मुश्किल पूछिए ऑफिस के पीछे दे लेना ऑफिस के लिए देखा लो लड़ाई लंबी होती फैल हासिल कर लें पहले सौखी दे लें आवाम वाले रेल के सिलाने वाले लोगों एक मसला दसो कि जरा हमारे जनाजा है आम मोमना का हो रहे ना तो पीरों का हो रहे बस हो जाएगा मजबूत हो जाएगा कुछ लोग जिन्हें ज्यादा साडा है पढ़े जाऊंगा हजरत शेख अब्दुल कादर की रानी का जनाजा भी उन्हीं पढ़े जाएगा के नहीं हजरत अली हवेली का हजरत सुल्तान बाबू का सहाबा इकराम का सहाबा इकराम का जनाजा भी इन्हीं चार तकबीर नाल चार तकबीर नाल जनाजा पढ़िया जाता बुजुर्ग का पीर का आलिम का मुर्शिद का इमाम का फकीर का कितनी तकबीर एक दिन वास्ते दफा करो हजरत शेख अब्दुल कादर जी लानी है रसूल अल्लाह का जनाजा आ गया होया आपने पता नहीं होया कि नहीं होया पढ़िया जनाजा आ गया इमाम मुसल्ले पे आया और कोई कोई बता रही पीरे की आम है जानी वाला पीर जानी वाला पीर मेरे हाथ वाला पीर मेरे पार वाला पीर लोग कुछ बोले लोग आ सकता जी बड़े बच्चे पीर शहर कर लेना था शहर कर उसे तो बस रहे असर नवे नवे मुसलमान हुए जनाजे पर जो जनाजा होंगे पिछू हो गए जरा तरीका रखा जी साजी तरीका रखा इसका ईद की नमाज हो पिछू बोल दिए उस साजी का ईद करने का तरीका दस गया जितने फिल्मी एक्टर का नाम पूछ लिया था सौ जितने हिंदुस्तानी एक्टर कंजर फिल्मों फिल्मों के नाम गाने गाने दिया कर्ज एडे तेज ले भगवान जिन्हें साढ़े ना खान गाने कर रहे माता कर रहे ये ही गाने रहे तो लाते करूँ मैं भी गाने कर रहे ये बात है फलानी तरह के शादी में आइए अगर फलानी तरह के होता है पहली बात जितने सुनो सारे क्रिकेट के खिलाड़ी दुनिया के इन जवानी नाम ना दे कवाय पैदाश की तारीखा रंग ना दे कितने सेंचुरी होने कितने सारी हाथ पाए हैं ये मैं कहूंगी लखनऊ कर दूंगा कोई टीचर हजरात यहां बैठे उनसे अगर मदद करता हूं तो ही मकसूद नहीं
सिंध इलाके टीचरों का इंटरव्यू हो कोई प्रोफेसर साहब है इंटरव्यू लेना है एक टीचर साहब आए तो प्रोफेसर ने हां जी तुम छोड़ों को पढ़ाना है फिर जरा जनाज की दुआ सुनाया जी आगे तो सुना ये जो टीचर है पंजाबी तगड़ा इस वजह जनाब सर वैसे नहीं आती जनाजा अबू लाने का खुद बहुत ज्यादा जनाजा अबू लाने का खुद बखुद आ जाती है वो कितना कपड़ा मंगाया पौड़ा लंबा फैल गया उसका क्या मन मुड़ता है कमल जो होना असा यह सुनिया लोग दुनिया का धोखे करते पार्टू के पानी पाते हैं शरीयत मिलावट करते हैं दवाइयों के लोग मिलावट करते हैं जमीनों के लोगों को सौदे धोखे दे जाते हैं ये तो मैं सुनिया भी लोग दुनिया नाल धोखे करते हैं पाकिस्तानियों तुसा मोदियों नाल धोखे करते जनाजे की दुआ आंगी कोई नहीं खलोते दुआ पुत्र नहीं आंगी पुत्र इन नाल नहीं तुरंत रह गया मौलवी हो गए जिम्मेदार हो गए तुरंत ही हो अल्लाह करे कानून की हो जल्दी आलम बड़े बहुत मजा तुम्हारे तुरंत रह गया मौलवी हो रहे आले हुए जनाजा हो जनाजा भी किसी बड़े बच्चे का बंदे हो दुनिया बड़ी आवे और वो आलम खड़े होकर आते और भाई मैं पहले जनाजे की दुआ सुनता वक्त खलोवर देता हूं तो पीछे की गल कर कितने बंदे खड़े होते आज आप ये हालत है हजर शाह का तुम कहते जीरानी का जनाजा आया इमाम मुसल्ले पे आया और भाई आ रहे मुझे सुनाओ पीए पी आम का जनाजा है तुम लोग गए खुलों साहब दुआ मांगेंगे सुना दिया चार तकबीर नमाज जनाजा सना वास्ते अल्लाह के दुरूद नबी पाक के लिए और दुआ इस मैयत से ये चुपका के बैठे हमने सही कहा दुआ इस मैयत से पर याद रखिए बात नहीं करो अबू जनाजा शेख अब्दुल कादिर की जान का अबू जनाजा सुल्तान खान का अबू जनाजा इमाम हकीफा का अबू जनाजा इमाम साफी का अबू जनाजा इमाम बुखारी का अबू जनाजा हैदर इस्तेमाल का अबू जनाजा उस्मान सिद्दीक रहम का फारूक आजम का सिद्दीक अकबर का एकदा सुना न करो वहाबी को बाहर खिलाएं दो दुआ इस मस्जिद से दुआ इस मस्जिद से ठीक है और ठीक है नहीं ठीक हो बकिया सो दुआ वास्ते हाजे इस मतलब यही गल साबित हो गई ना जब कहीं बुजुर्ग जिंदा है उससे दुआ करवाओ जब उसका इंतकाल हो गया अब उसके लिए दुआ मतलब इस वास्ते उसको दुआ करवानी नहीं उस वास्ते के करनी है देखो बोलो मुश्किल से नहीं दे रहे वो भी सौखी कर देते हैं यार क्यों सब मुश्किल कौन मुश्किल कौन आजान जो मैं सुन लें आजान के बाद एक दुआ मंगल का हुक्म देता है सैयद ने मंगल को अल्लाह रब्बा आलमीन दावत कायना व सलात कायना आते मोहम्मद ने वसीलत और फजीला आपको अपने अगर इजला कर दो एक वक्त है जैसे रफिया वह जुकना शफा कहू ये हदीस दिया किताबत कोई नहीं
एक ऐसा छोड़ दिया। समझ भाई, ये टीवी है दुआ है, टीवी है ये शरीर दुआ। और पहले कदा पीला से कोई नफर नहीं, और झुकना सफा तो होंगे कोई नफर नहीं, हजीन से कोई नफर नहीं। अल्लाह उम्र बहादी दावत कामा व सलातिल कायरा आज मोहम्मद अली वसील अबर अल फजीला बरास के मकाम महमूद अली लजी बाता। वही रिवायत इन सिर्फ एक रिवायत लाया इन्ना का ना तुखले बुल कर मैंने इसका अल्लाह उम्र अल्लाह उम्र मैंने करो अल्लाह कौन आते हैं मैं कौन आते हैं ये कौन आते हैं खान साहब अल्लाह आपके मोहम्मद अली वसीला मेरे अल्लाह जो हमारे नबी है ना मोहम्मद उनको वसीला वाली जैसा दे दे, उनको फजीलत अता कर दे, उनको मकामे महमूद पे उठा। कौन आ रहा है बोलो, कौन दुआ कर रहा है, कौन दुआ कर रहा है, कहने वास्ते कहने वास्ते उम्मत ही दुआ कर रहा, कहने वास्ते नबी पाक वास्ते या अल्लाह कौन। खुदा की कसम है, खुदा की कसम है, मेरे नबी पाक ने जुत्ती मुबारक दे थले लगी हुई मिट्टी का करोड़ों हिस्सा अगर खान साहब के सिर के पाल के आ जाए शायद इन्होंने बख्शिश का भी सामान हो। कौन नबी सुभान अल्लाह कितने मैं कितने मेरा नबी कोई निस्बत नहीं, कोई निस्बत नहीं, कोई निस्बत नहीं। किथे जर्रा के किथे आता, किथे कतरा के किथे दरिया, किथे जमीन के किथे आसमान, किथे फर्श के किथे अर्श, जाता दिन दिता किथे ते घर मिटा। कोई किस्मत नहीं, किथे मैं, किथे खान साहब ते किथे मेरा नबी। साडे जैसे खरबों खरबों इकट्ठे हो जाए मेरे नबी के पैरों की गिनती करने लगे हुए सरदे के खरबे हिस्से का भी मुकाबला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। किथे मैं किथे मेरा नबी मुस्तफा मुर्तजा मुर्तजा महबूब खुदा साहिब कुरान साहिब कौसर साहिब मकाम महमूद। किथे मेरा नबी सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाने वाला, मैं खटखटाऊंगा जन्नत का दरवाजा सबसे पहले। अंदर से आवाज आई भंग कर बाबा, दरबार ने पूछा कौन आया है दरवाजे पर, मैं कहूंगा आना मोहम्मद रसूलुल्लाह, आना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंदरू दरबार आखेगा मैंने अल्लाह इन्नी आखे आई, मैंने अल्लाह इन्नी आखे आई, जब तक मेरा सोना ना आए जन्नत का दरवाजा नहीं खोलना, जन्नत का दरवाजा नहीं खोलना। कितने मैं कितने मेरा नबी निस्बत ही कहेंगे, लेकिन मेरे जैसे नालू कम फैन लू कम इलम लू मेरा नबी आख रहा और मेरा उम्मती तू मेरे वास्ते दुआ की कर, तू भी मेरे वास्ते दुआ की कर। अल्लाह हुम्मा बड़े दफा अल्लाह हुम्मा बहारी दावत कामा और सलाह के कायना आके मोहम्मद अमल वसीला। ये लोग वसीला नहीं जिसके पीछे मौलवी लगे हुए हैं, वो तोड़ने वाला वसीला फलाने वाला सही फलाने भी थोड़े उनका नहीं देना, उनका नहीं देना,
ہوں امریک بندہ میں سامنے پیش کی کئی جیلوں کو نہیں دینا ان کے تو دینا رکھے کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وسیلہ جنت میں ایک جگہ کا نام جنت کی ایک جگہ مکان بلڈنگ بنگلہ جس بلڈنگ کا نام کیا ہے وسیلہ وسیلہ بنانا کل وسیلہ بنانا تکلف وسیلہ بنانا نزدیکی وسیلہ نیڑے ہونا اس جگہ میں وسیلہ کیوں آ دوں اس جگہ میں وسیلہ اس واسطے آ دوں وہ اللہ دے عرش دے نیڑے ہے وہ جگہ اللہ دے عرش دے نیڑے عرش دے قریب ہے وہ جگہ اس واسطے اس میں وسیلہ آتے یا اللہ یا اللہ وہ جو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے جو ایک بندے میں گھبرا ہے تیرے عرش کے قریب یا اللہ میری درخواست ہے اور ساڈے نبی کو عطا فرما کون دعا کر رہے ہیں اللہم صلی علی محمد کرو میں نے کرو میں نے اللہ صلی اللہ محمد علی رحمتیں بھیج جس پر برکتیں بھیج جس پر فضل کر جس پر مہربانیاں کر جس پر رحمتوں کی بارش برسا جس پر اللہم صلی اللہ محمد علی کون پڑھ رہا میں تم سو پڑھ رہے ہو اللہم صلی اللہ محمد علی اے اللہ رحمتیں بھیج محمد پر دعا ہے دعا دور کیا ہے روتے والو کون مانگ رہا امتی کس وقت کے یہ مسئلہ سمجھو میت کے واسطے دعا کرنی ہے میت کے کل دعا بڑے کیوں کیا تھا یا رسول اللہ سارے واسطے دعا کرو یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو شفا رکھنا میری سفارش کرو روزے دوران کیا رکھنا میری سفارش کرو میری شفاعت کرو میرے واسطے دعا کرو ایک لاکھ 18,000 صحابہ میرے نبی پاک کی وفات کے بعد ایک صدی پر صحابہ زندہ رہے کسی ایک صحابی نے نبی پاک سے روزے کے آ کے آخر ہوگی یا رسول اللہ دعا کیا کرو یہ مسئلہ سمجھو میت کے واسطے دعا کرنی ہے میت کے کوئی دعا نہیں کیا تھا یا رسول اللہ سارے واسطے دعا کرو یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو شفا رکھنا میری سفارش کرو روزے دوران کے رکھنا میری سفارش کرو میری شفاعت کرو میرے واسطے دعا کرو ایک لاکھ 18,000 صحابہ میرے نبی پاک کی وفات کے بعد ایک صدی پر صحابہ زندہ رہے کہتے تھے زندہ رہے کسی ایک صحابی نے نبی پاک سے روزے کے آ کے آخر ہوگی یا رسول اللہ دعا کیا کرو بارش واسطے یا رسول اللہ دعا کیا کرو میرے واسطے
दुनिया के किसी आलिम के पास है, किसी एक सहाबी ने नबी के पास से है जो इतनी आपसे यात्रा हो गई, या रसूल अल्लाह की यात्रा करो बारिश वास्ते, या रसूल अल्लाह की यात्रा करो मेरे वास्ते, दुनिया के किसी आलिम के पास सबूत है तो बंदा भी उतर सकता है। देखकर किसी एक आदमी का मत देख कर नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। इसके मुकाबले में बंदियाल भी एक अमल देखते मेरे पास आदमी का, बंदियाल भी अमल पेश कर मेरे पास आदमी का, और सहाबी भी आम नहीं, सहाबी भी हो जो जमीन पे बोले और उसके बोल पर हम कुरान बना के उतार दे, सहाबी भी हो जिसको मेरा नबी दामन फैला के मांगने लगे, सहाबी भी हो जिसके मुताबिक मेरा नबी कहे मैं कान आबादी नबी तुम लगान आवाना, मेरे बात कोई नहीं होता तो उम्र नहीं होता। उठा मुस्लिम, उठा मुस्लिम, बादशाह बंद हो गई हजरत उमर साहबन लेके मस्जिद नबी के बाहर जाके हजरत अब्बास नबी पाक के चाचे मुआक है, नबी पाक का चाचा तू बारिश वास्ते दुआ कर अच्छा आमू रखांगे, ये आज के हजरत उमर आते मौला जब तक तेरा नबी जिंदा था हम उनके जरिए दुआ करवाया करते थे, अब वो हमें मौजूद नहीं है, हम उनके चाचा को लाए हैं, ये दुआ करेंगे तू बारिश बता कर दो। अगर और भत्ता और इलाके से आने वाले लोगों अगर वफात के बाद नबी पाक की कब्र मुनव्वर पर जाकर दुआ की दरखास्त करना जायज होता, दरखास्त की जा सकती होती, खुदा की कसम में फारूक आजम कब्र नबी में छोड़ के हजरत अब्बास को दुआ न करवाने, हजरत उमर का दुआ करवाना इस बात को साबित करता है कि वफात के बाद चाहे नंगे पास क्यों ना हो उनसे दुआ की दरखास्त की जा सकती। मस्जिद को भी दुआ नहीं करवानी, मैं के रास्ते के करेंगे शाबाश, कितने अतिथि हो गए राजस्थान जाना कितने लगे लाए कितने ना खिला चुके हैं, दो खिला चुके हैं, पहला नजरिया था भूला समझ के, दूसरा नजरिया था दुनिया के वास्ते से कर लीजिए दुआ कर लीजिए, तीसरा नजरिया ये कब्रिस्तान में जा रहे हैं इबरत हासिल करने वास्ते, मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया कौन तो नहाई तो कौन मन से आ रखे कबूले नवा नवा इस्लाम और दीन आया, मैं तो कब्रस्तान जा तू हना कर चुका इस वास्ते के शेर हमेशा खैरदार कबरा तू कबरा तू मना कर चुका, हम तो ईद हासिल हो चुकी है दीन हासिल हो चुकी है और जमीन वहां जाओ कब्रस्तान जाया करो कब्रस्तान की जा कब्र की जाया किया करो कब्रिस्तान जाया करो इसलिए कि वहां जाकर क्या जाती है मिनट दुनिया और वहां जाकर दुनिया के बेहरमती पैदा होती है कि बंदा था एटा बड़ा चौधरी एटा बड़ा सरदार एटा बड़ा आलिम एटा बड़ा पीर एटा बड़ा दुनियादार एटा बड़ा दीदार जिसके कपड़े से चूंदी मिट्टी भी बह जाए वो बर्दाश्त न कर सके वो भी इतने आ गया मैं ही कल इतने पहुंचो कितने नबी हो गए कब्रिस्तान जो शरीयत ने जान का हुक्म दिता तो मकसद शरीयत यही है कि दुनिया में याद आवे मौत याद आवे, तो मौत एक ऐसी हकीकत है
असल हकीकत है जिसका इनकार ही दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता और उस तू कोई मुस्तफना भी नहीं है। अल्लाह ताला ने कोई कसी किताब बनाऊ।